फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। ये हमारे पास ब्रॉदर कंपनी की अम्ब्रेला मशीन। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये हमारी मशीन सिलाई छोड़ छोड़ कर सिलाई दे रही है। तो अब हमें क्या करना है, कैसे ठीक करें, पहले तो हम आपको चला के दिखाते हैं कि हमारी मशीन सिलाई छोड़ रही है। अब ऐसे ही हम झूठ बोल रहे हैं, तो ज़रा ध्यान से देखें, देख सकते हैं, आपको सही से क्लियर समझ में आ रहा होगा। देख सकते हैं गाइस, देख सकते हैं ऑलरेडी सिलाई छोड़ रही है, देख सकते हैं बिल्कुल छोड़ ही रही है, बिल्कुल ही पकड़ नहीं रही है, जबकि नीचे का भी धागा सही पड़ा है और ऊपर वाला भी धागा बिल्कुल सही पड़ा है, इसी में पड़ेगा, ऐसे ही पड़ता है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी मशीन बिहेव कर रही है, यानी कि इस तरीके से चल रही है, जो कि बिल्कुल ही सिलाई नहीं दे रही है। तो हमें क्या करना है, कहाँ पर देखना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देख लेना है कि हमारी मशीन की सुई जो निडल होती है वो हमारी सही से चढ़ी है कि नहीं चढ़ी है। कभी कभी क्या होता है कि लोग बाग जो भी होते हैं, नए नए भाई या बहन जो भी हैं, वो जो सुई का चपटा वाला हिस्सा होता है, चपटा वाला भाग, वो इस साइड कर देते हैं या सामने कर देते हैं या उधर कर देते हैं, मतलब सुई को टेढ़ा मेढ़ा चढ़ा देते हैं। तो ध्यान से देखें हमें निडल कैसी चढ़ानी है। देख सकते हैं कुछ हमारी इस तरीके से चढ़ी है, हम आपको बिल्कुल पास से करीब से दिखाएँगे, जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि काफ़ी जूमिंग हो रही है, इसलिए शायद है आपको क्लियर वो से समझे कर रहे हैं कि आपको अच्छे से दिखाए। यानी कि ये चपटा वाला भाग है, ये वाला हिस्सा हमारा इस साइड रहना चाहिए, जो एरो का निशान दिख रहा है नीचे, इस साइड में हमारा ये वाला चपटा वाला हिस्सा रहना चाहिए, और इधर इधर देख लें ज़रा, ये लकीर वाला हिस्सा, तो देख सकते हैं ये धार वाला हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक किनारी बनी हुई है, तो इसे ये हमारा इसी साइड रहेगा। तो इतनी तो आपने क्लियर कर ली। तो हमें क्या करना है, हमें इसे कैसे ठीक करना है, तो ध्यान दें, अब ये प्रॉब्लम हमारी मशीन के अंदर से हो सकती है, और अंदर कहाँ पे होगी वो भी हम आपको बताते हैं। अंदर होगी हमारी शटल से, जो प्रॉब्लम होती है, अगर ऊपर अगर सुई सही चढ़ी है और सही से धागा लगा हुआ है, ये वाला जो सारे धागे अगर सही से लगे हुए हैं, तो फिर प्रॉब्लम हमारी सिर्फ नीचे से ही होती है, क्योंकि ये भी हमारा एकदम सही, एकदम कसा हुआ है, सही से है, ये टेंशन भी सेटिंग एकदम ओके है। तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी, क्या होती है कि नीचे जो हमारी सटल धागा निकालती है, वो धागा ये वाली सुई है कैच नहीं कर पाती है, यानी कि धागे को नीचे से फंसा के ऊपर नहीं ला पा रही है, प्रॉब्लम ये है। तो ये प्रॉब्लम कैसे दूर होगी, चलिए सबसे पहले आपको ये बोल्ट खोल लेने हैं, ये वाला बोल्ट और ये वाला बोल्ट, दोनों बोल्ट खोल लेने हैं सबसे पहले। तो इस तरीके से खोल लें, बहुत ही इजी और सिंपल तरीका हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और इसे एक लाइक ज़रूर, अपने प्यारे हाथों से एक लाइक ज़रूर करें, और बताएं आप कहाँ से हैं, बहुत ही खुशी मिलेगी हमें कि आप लोग इतनी इतनी दूर से, इंडिया के कौन से कोने से आप देख रहे हैं, कोना क्या, इंडिया के कौन से ज़िला से या कौन से शहर से आप देख रहे हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो देख सकते हैं इस तरीके से इसे भी खोल लें, ये बूंद भी खोल लें, अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, तो हम आपको सिर्फ बताएंगे, बताने से ही आप समझ जाएंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम है। देख सकते हैं जो हमारा चपटा वाला हिस्सा है, तो चपटा वाला हिस्सा ज़्यादा कुछ नीचे है, ध्यान रखें, जो सुई का चपटा वाला हिस्सा है ज़्यादा नीचे है, और तभी हमारी धागा नई मशीन उठा रही है। तो अगर चपटा वाला हिस्सा बिल्कुल बीचों बीच में होगा, बिल्कुल बीचों बीच में जब होगा इस तरीके से, जब हमारी जो शटल जा रही है, तो चपटे वाले को, बीच वाले चपटे हिस्से को भी बीच वाले हिस्से को जब टच करते हुए निकले, ध्यान रखें कहाँ पर, वो भी हम आपको बताते हैं। अभी हमारी सुई है यहाँ पर टच कर रही है, यहाँ पर शटल टच कर रही है ऊपर, लेकिन हमें टच करानी है बिल्कुल बीचों बीच में, जब यहाँ पर टच करने लगेगी तब हमारी मशीन धागा छोड़ छोड़ कर देना बंद कर देगी। तो गाइस, तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें शटल के पेंच को लूज कर लेना है। तो चलिए क्या करना है, हमें सबसे पहले इस तरीके से शटल की
जो पैंच कसे हुए हैं इन्हें हल्का हल्का लूज करना, ज़्यादा नहीं करना लूज। अगर ज़्यादा करेंगे लूज तो फिर ज़्यादा सेटिंग ख़राब हो जाएगी, आप लोग सही नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारा वीडियो देखते रहेंगे तो कैसी भी सेटिंग हो सारी सेटिंग आप सही कर लेंगे। बस आपको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। तो इस तरीके से देखें, ध्यान दें, ये वाली जो शटल जा रही है, जो नकुन जा रही है शटल वाली, तो आपको क्या करना है, थोड़ा शटल को पकड़ लें और सुई को थोड़ा ऊपर चलाएं तो ऊपर उठ जाएगी सुई हमारी, थोड़ा ऊपर इस तरीके से। अभी और थोड़ा आपको करना पड़ेगा इस तरीके से। अभी बिल्कुल चपटे वाले के हिस्से के ऊपर को क्रॉस कर रही है, लेकिन हमें करनी है बिल्कुल नीचे क्रॉस। तो थोड़ा और ढीला कर लें पैंच को थोड़ा, क्योंकि टाइट पैंच है, तभी ये ऐसी प्रॉब्लम, तभी ये सेट नहीं हो रही, अब हो जाएगी सेट। तो चलिए, तो देखें, ध्यान रखें, यहाँ पर सुई को बिल्कुल नीचे कर लें, नीचे से, जब नीचे से ऊपर को सुई आए इसे पकड़ लें शटल को, जब नीचे से ऊपर को सुई आए तो इस तरीके से शटल को पकड़ लें, और उसके बाद इस तरीके से सुई ऊपर उठाएं, और इस तरीके से ये इसके बिल्कुल बीचों बीच में क्रॉस करें चपटे वाले हिस्से को, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर। ध्यान से देखें ज़रा, नीचे से सुई जब ऊपर को आए तो ये सब शटल अपने हाथों से ही हम कर रहे हैं, मशीन से भी नहीं चला रहे हैं। इस तरीके से घूमते हुए निकले, इस तरीके से चपटे वाले हिस्से को टच करते हुए निकले, टच ना करें मतलब बिल्कुल पास से निकले। तो इस बस इतना करने के बाद आप इस तरीके से इसे कस लें, हल्का कसें, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। इस तरीके से अब दूसरा पैंच कस लें, धीरे धीरे सभी पैंच कसें एक ही बार में, अगर कस लेंगे तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मशीन हमारी टाइट चल सकती है। इसलिए ध्यान रखें, हल्के हल्के पैंच, तीनों पैंचों को थोड़ा थोड़ा करके बारी बारी से कसते जाएं, फिर इकट्ठा कस लें बाद में। तो इस तरीके से अब टाइट कर लें अच्छे से। अब आप चेक करके देखेंगे, सबसे पहले चेक भी करें, ऐसा नहीं है वीडियो छोड़कर चले जाएं आप लोग, वीडियो को छोड़े ना, लगातार देखें। अब चलिए हम सारे सिस्टम बंद कर लेते हैं। सारे सिस्टम बंद करने से पहले ध्यान रखें, ऑयल ज़रूर डाल लें इसमें, इस तरीके से। अगर हमारी मशीन भारी चल रही है यानी टाइट चल रही है तो फिर आपको यहाँ ऑयल ज़रूर डालना, यहाँ पर डालना, और यहाँ पर देख लेना धागा वगैरह ना फंसा हो इस जॉइंट में, जहाँ से घूम रही है धागा फंस जाता है, इसलिए हमारी मशीन टाइट भी चलने लगती है। देख सकते हैं यहाँ पर धागा फंस जाता है, इस जो चल रही है यहाँ पर, तभी हमारी मशीन टाइट चलती है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम धीरे धीरे करके ये सभी सिस्टम कस लेते हैं इस तरीके से। तो चलिए अब चला के दिखाते हैं हम आपको इस तरीके से, एक ही हाथ से पकड़े हैं इसलिए थोड़ा चलाने में प्रॉब्लम आ रही है। ऊपर धागा फंस गया था, सुई लगी इसलिए धागा टाइट हो गया, लेकिन देख सकते हैं हमारी सिलाई एकदम चकाचक दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर नीचे एकदम सही है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये आइडिया भी समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे सुई अगर सिलाई मशीन छोड़ छोड़ कर दे तो कैसे ठीक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आप लोगों से गुजारिश है एक लाइक ज़रूर करें, एक कमेंट करें और एक शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।